अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम अभी हैं इस्लामाबाद, तो अभी नाश्ता कर लिया है। नथिया गली हम इसलिए गए थे, जैसे कि पिछली वीडियो में हम नथिया गली थे, तो नथिया गली इसलिए गए थे कि वहाँ पे बर्फ़बारी देखी जाए। तो बर्फ़बारी वहाँ पे हुई नहीं, और फिर हमारा प्रोग्राम बना कि क्यों ना हाइकिंग पे जाया जाए। तो फिर हम निकले हाइकिंग पे। तो हाइकिंग मैं इससे पहले भी, क्योंकि जो साउथ कोरिया में है वो हाइकिंग बहुत पॉपुलर है, फेमस है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली है ही पहाड़। तो इतवार को वहाँ पे लोगों का मशगला है कि वो हाइकिंग पे जाते हैं, संडे को छुट्टी वाले दिन, और स्पेशली वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो हाइकिंग पे लाजमी जाते हैं। तो इसलिए कभी कभार हम जब निकलते थे तो ऐसा इत्तफाक हुआ है पहाड़ों पे जाने का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थीम पार्क वगैरह और अच्छे पार्क जो हैं वो पहाड़ियों पर उन्होंने बनाए हुए हैं, तो इस सिलसिले में पहाड़ों पर जाना आना तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा क्यों ना फिर हाइकिंग की जाए। मैं, मुबशर भाई जान और जैन भाई, करम भाई, हाइकिंग पे। लेटरिंग मंकी, डोंट बी लेटरिंग, लेटरिंग मंकी, प्लीज थ्रो योर लिटर इन अ ट्रैश बिन। कचरा आपने ऐसे नहीं फेंकना, ट्रैश बिन में फेंके। थैंक यू। पैट्स नहीं ला सकते, कुकिंग नहीं कर सकते, आर्म्स गन्स कुछ नहीं ला सकते, फीडिंग एनिमल्स खुराक जानवरों को नहीं दे सकते, मोटरसाइकिल बाइक नहीं ला सकते, शोर नहीं कर सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, कचरा नहीं फेंक सकते, आग नहीं जला सकते। प्लीज़ नो, ये काम आपने यहाँ पे नहीं करने। यहाँ पे टिकट्स हैं, ये आप पॉज करके देख लें। ये देखा मैं काम ने ऐसा मोबाइल देखे इंग्लिश इंग्लिश में और आपकी तस्वीर आ रही है। नहीं सर, आपके पास तो होना चाहिए। मेरे पास भी नहीं है सर। ए, कितने? 100 रुपया है मुकरम भाई। मैं लिखना कितने हैं? 60? 60, ये 60 सर निकाल लें। थैंक यू, हैव अ नाइस जर्नी। स्टार्ट से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ से सही थुंगसन हादा शुरू होता है, और ये ज़रूरी चीज़ है। बुलंदी बताई गई है कितनी है, 81 से 37 फीट बुलंदी पर वाकया है वो, सतह समंदर तकरीबन, सतह समंदर से। और ये यहाँ पर चीता, दो चीता, जैसा कि चीता सांप और बंदर वगैरह का सामना हो सकता है। चीता सांप बंदर की खैर है, वो तो हमारे एरिया में बहुत मिलते हैं। चीता ओए, दुनिया का सबसे तेज तरीन जानवर है। जैना गुपंगा लेगा ना है ना, ना ऐसा पंगा, वैसे इतना भी नहीं चंगा, लेकिन कभी कभी होना चाहिए। दिल की धड़कन जो है ना वो सेट रहती है। अच्छा अंकल, बारिश हो तो ये रास्ते स्लिपी हो जाते हैं? हाँ बहुत, ये सा बन जाता है, ये बहुत स्लिपी होती है। फिर भी यही पीछे हैं, तू परा नु मुंह कर एक बारी। भाई सामान के साथ ऊपर है, और हमारे गाइड भी, और कोरिया वाले भाई भी, और ये देख रहे दूर दूर तक ना ही कोई आवाज़ आ रही है और ना ही कोई बंदा। नहीं,
और जब निकले थे ना तकरीबन 10 मिनट हुए या 15 मिनट हुए, इतना टाइम हुआ तो बस इतने टाइम में इतना फासला और यहाँ से हमारे 20 मिनट आगे क्या 20 मिनट का रास्ता बस है? और ये इजी भी है। हाँ आसान है। अब इजी है, ये मशहूरी का एंड है ना, ये मशहूरी शुरू हो गया। अच्छा थोड़ा सा इधर होके बैठे। चलो भाई मैं गीजर उठा के ला जाए। हाँ मैं गीजर का भी बंद किया हुआ है और मेरे पास सिर्फ इतनी सामान है, प्यास अभी इतनी लगी नहीं है क्योंकि अभी पानी पी लिया ना, तो कहीं पे बैठ के पानी पिएंगे। और बबल्स हैं, बबल गम, च्युइंग गम। वैसे अब गर्म भाई ऐसे लग नहीं रहा कि अब थक गए हैं। मुझे मेरी तरफ देख, अब सांस लेवल हो जाए ना तो ऐसे नहीं लगता हम इतने ऊपर आ गए। खैर माशाल्लाह हम बहुत ऊपर आ गए हैं। वो कश्मीर आ गए भाई, देखने वाले कश्मीर। और ये फिसलन कौन सा पाकिस्तान वाला, बर्फ अब पिघल गई है। और मकबूजा कश्मीर ये सामने, हाँ तहसील बालाकोट, रावलाकोट, रावलाकोट और तहसील बाग, सफेद पहाड़ियाँ, पंच, ये चीजें बर्फ से ढकी हुई। बाकी अंकल व्यू बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है माशाल्लाह। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना है नहीं, जरा भी फील। एक तो हम पहाड़ पे आ रहे हैं ना, वो सांस फूला हुआ है उस वजह से भी है। वैसे भी नीचे इतनी ठंड नहीं थी जितनी शायद बंदा सोचता है कि यार उधर बहुत ठंड होगी, माइनस पे था टेम्परेचर। एक मौसम साफ होने की भी वजह, अगर यहाँ पे अगर हवाएं चले ना, सर्द हवाएं, सर्द हवाएं, ये मेरे पीछे बर्फ, ये बर्फ देखें, ये बर्फ अंकल जी खा सकते हैं है? खा सकते हैं या गला खराब करती है, गला खराब करती है, गला खराब करती है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, गला फील कैसा आ रहा है। हाँ अब बहुत दूर है वो, सही वो जो पहाड़ है यहाँ से नजर आ रहे हैं वो बहुत दूर के ग्राइज दिखाते हैं वो वाले। और व्यू कैसा है? व्यू जबरदस्त है लेकिन हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। आज धुंध है ना, तो उसने व्यू जिस तरह था वो दिखा नहीं रहा। असल बर्फ हो चढ़ाई पे जाते हुए अल्लाह अकबर बोलते हैं। अयोध्या नेशनल पार्क प्लीज नो। और यहाँ पे अयोध्या नेशनल पार्क में जो जानवर हैं और फिर यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, फिसलन वाली बर्फ हो गई है। और आगे मैं जो है एनिमेशन मूवीज़ बहुत सारी देखता हूँ, तो ऐसी जगह होती है अक्सर, आप मूवीज़ में भी ऐसी जगह होती है। ये आप देख रहे हैं दो दरख्त, यहाँ पे खुफिया दरवाज़ा होता है, क्या आप इससे एंटर होते हैं तो नहीं मैं यहीं पे हूँ, तो किसी दुनिया और दुनिया में चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखी थी नार्निया, उसमें वो अलमारी में घुसते हैं और दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी और चाय मिल सकती है। और एक जो कि बुरी बात है कि वहाँ पे हम स्याह या हम जैसे दूसरे भाई जो ऐसी जगहों पे अगर जाते हैं तो कम से कम बबल गम के रैपर और छोटी मोटी चीज़ों को जिनको हम मामूली समझते हैं कि ये छोटा सा रैपर है तो इससे क्या होगा, तो ऐसे समझ के हम फेंक देते हैं और तवज्जो ही नहीं देते, और उससे माहौल जो है वो मज़ीद ख़राब होता है। और हर कोई यही समझता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करते जो है वो बहुत हो जाता है। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर जो हैं वो साफ़ सुथरे हों और हमारा इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो, तो हमें चाहिए कि हम जहाँ पर भी जाएँ
वहाँ पे भी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस ईमान है। और हमने भाई लोगों ने मिलके वहाँ पे जहाँ जहाँ हमें बॉटल्स मिली, कचरा मिला, वो हटाने की उठाने की कोशिश की और उसको डस्टबिन में डाला। लेकिन अगर हम सभी उठाने वाले बन जाएं, फेंकने वाले नहीं, तो इंशाल्लाह कभी कचरा होगा ही नहीं। और बुलंदी से नीचे जाते हुए सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं। ये लोग कभी गंद बना गए। साफ साफ पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू। तो ये डस्टबिन के पास ही जो कचरा वो पड़ा हुआ है। सफाई का जो है वो ख्याल लाजमी रखें, खासकर इन जगहों पे, क्योंकि इन ऐसी जगहों पे जो है वो फॉरेनर आते हैं, दूसरी कंट्री से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो इससे टूरिज़्म पे असर पड़ता है। क्योंकि वो लोग जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम बिल्कुल भी समझते नहीं हैं कि ये कुछ है, ऐसे रेगुलर समझते हैं कि इससे क्या होगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो लोग बहुत नोट करते हैं। क्योंकि वहाँ मैं जो कि फॉरेनर दूसरी कंट्री में रह चुका हूँ, वहाँ पर सफाई का स्पेशली ख्याल रखा जाता है, और जो लोग गंद डालते हैं उनको अच्छा खासा जुर्माना होता है। और अगर कोई फॉरनर ऐसा करता है, ऐसी कोई गलती करता है, और उसके बाद अगर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन या सॉरी माफ़ीनामा जो होता है वो नहीं करवाता और अपनी कंट्री छूटी जाता है, तो वापस वो कंट्री साउथ कोरिया उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती कि आपने गलती की है, और उसकी माफ़ी मांगे बगैर, जुर्माना भी हालांकि आपने दे दिया लेकिन माफ़ी मांगे बगैर आप चले गए हैं, तो वो आपको एंट्री नहीं होने देंगी एयरपोर्ट से। ऐसे सफाई का ख्याल रखते हैं, ऐसी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और गलतियों पे वहाँ पे अच्छे खासे फ़ाइन होते हैं। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और कानून हमेशा सच का साथ दे तो तभी कौमें तरक्की करती हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, बाकी हाइकिंग का बहुत बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया बाहर घूमने का भाई लोगों के साथ। तो ये मेरा पहला सफ़र था भाइयों के साथ इतनी दूर आना, तो इंशाल्लाह आगे सफ़र चलते रहेंगे, तो काम सब होते रहेंगे, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ तभी आपके पास पहुँचेंगे सबसे पहले। तो बस, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।